हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ, सब लोग को आवाज़ साफ़ आ रही है? आवाज़ जाने में तो कोई इशू नहीं है ना? अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो फिर हम शुरू कर सकते हैं आज की क्लास। एक्चुअली क्लास नंबर 10 है आज का, तो 9, लेकिन ये 9 में ही था पहले। वैसे ही क्लास नंबर 10 है, लेकिन क्लास नंबर 9 के साथ ही था ये। तो आप बता सकते हो अगर आवाज़ वाज क्लियर है सब कुछ, तो कंटिन्यू कर सकते हैं हम क्लास को। कोई भी आवाज़ वाज का इशू ना हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। बाकी भी अगर कोई आपका दोस्त हो, आना चाह रहा हो, जल्दी जल्दी बुला लो, क्योंकि आज क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं पावर को मेजरमेंट सिखाऊंगा, पावर मेजर करने के तरीके। पावर मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं और उन सभी को आज मैं सिखा दूंगा। केवल एक मेथड रह जाएगा जो कि काफ़ी बड़ा है, उसको कल सिखाएंगे। तो पावर मेजरमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर का पूछा जाता है ज़रूर। तो आप सोच रहे हो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, इसीलिए सभी लोग को बुला लेना। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो हम हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो किसी भी प्रकार की जल्दी से बता दो। आवाज़ वाज में तो कोई इशू नहीं है ना? आवाज़ वगैरह में कोई इशू ना हो तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिर क्लास को। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था कि ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है ना? तो बता दिया था मैंने कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के, पहले तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हाई पावर पर यूज़ किए जाते हैं, जैसे हाई वोल्टेज पर और हाई करंट पर, वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है नहीं? अब क्या है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है CT और एक होता है PT। तो CT का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफॉर्मर, PT का होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो CT का आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि CT का काम करता है और PT का काम करता है। इसके आगे ये दिखा भी दिए थे, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका CT और यह है आपका PT, ठीक है बच्चा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर था, इसके बारे में मैंने आपको 5-5 क्वेश्चन लिख कर लिखने को कहा था, लेकिन आप लोग इतने होशियार हैं कि आप लोग पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते हो। तो आप में से किसी ने भी वो 5-5 क्वेश्चन सेंड नहीं किए लिख के। तो अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो 5-5 क्वेश्चन लिख के सेंड किया करो, मल्टीपल चॉइस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि PT की जो प्राइमरी क्वाइल्स हैं वो किस तरीके से बनी होती हैं, और क्या बोलते हैं CT की प्राइमरी कॉइल किस तरीके के तार से बनी होती हैं, ये सब बातें बताया करो, आप क्वेश्चन लिख कर दिया करो, ठीक है ना? और अगर ना लिखे जाए तो मैं हूँ डाउट क्लियर करने के लिए। तो आप पहले पूछा करो, जब तक पूछोगे नहीं तब तक कैसे बात। चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट करा दिया था लास्ट लेक्चर में, उसमें बता दिया था मैंने कि वोल्टमीटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के बताए थे, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक अकेला प्रकार था और वो था डायनेमोमीटर टाइप, जो कि ज़्यादातर यूज होता है, और लगभग सभी वोल्टमीटर्स डायनेमोमीटर टाइप के ही वोल्टमीटर होते हैं 99%, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम वोल्टमीटर के एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिए थे कि वोल्टमीटर के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। बता दिया था कि वोल्टमीटर जो होते हैं वो AC और DC दोनों प्रकार के सर्किट्स पर पावर को मेजर करने के काम आते हैं। अगर आपसे कोई वोल्टमीटर की डेफिनेशन पूछता है तो आप कुछ इस प्रकार बताएंगे कि वोल्टमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पावर मेजरमेंट के काम आता है। किस काम आता है? पावर मेजरमेंट के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर मेजरमेंट के। तो वोल्टमीटर में यूनिफॉर्म स्केल यूज़ किया जाता है जिससे इसमें एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसमें जो है एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होते हैं वोल्टमीटर में, और वोल्टमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, ठीक है? तो ये आपके एडवांटेज थे वोल्टमीटर के, ठीक है? कहीं भी अगर बीच में आपको कोई भी डाउट हो आप तुरंत पूछ सकते हो, वरना क्लास तो कंटिन्यू चल ही रही है।
तो वोल्ट मीटर तक क्लियर हो गया है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंगल फेज सर्किट और डीसी सर्किट या थ्री फेज सर्किट में पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं, पावर मेजरमेंट। तो पावर मेजरमेंट करना सिखाएंगे, उसमें यही आपका वो चीज़ है जो आपके एग्जाम में आने के ज़्यादातर चांस रहते हैं। या तो ये आ सकता है एग्जाम में कि वोल्ट मीटर क्या होता है ये बताओ, या फिर ये आएगा कि वोल्ट मीटर से पावर को मेजर कैसे करते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आ सकती है, वोल्ट मीटर से पावर को मेजर कैसे कर सकते हैं ये आ सकता है, या फिर पावर मेजरमेंट कैसे है ये बताओ ये आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको हम सिखा रहे हैं पावर मेजर करना। लिखा है हेडिंग मेजरमेंट ऑफ पावर इन डिफरेंट सर्किट्स। पहले बात करते हैं हम डीसी सर्किट्स की। तो पहले डीसी सर्किट्स में पावर मेजरमेंट को सीख लेते हैं। पहले हम सीख लेते हैं किसमें, डीसी सर्किट्स में पावर मेजरमेंट को हम पहले सीख लेते हैं। क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का क्लास होगा, लेकिन 20 से 25 मिनट में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा ये गारंटी है। ठीक है ना, तो देखिए डीसी सर्किट्स में क्या होता है। पहली बात तो ये कि डीसी पावर और एसी पावर में अंतर क्या है। तो डीसी पावर और एसी पावर में अंतर ये है कि डीसी पावर होती है बी आई और एसी पावर होती है बी आई कोस फाई। ठीक है, नहीं अगर पावर फैक्टर का यूज़ करोगे पावर मेजरमेंट के लिए, वन वोल्ट मीटर मेथड का यूज़ किया जाता है। वन वोल्ट मीटर मेथड क्या होता है, देखिए आपको पता है कि डीसी सर्किट में केवल दो वायर होते हैं, ये बात तो आपको पता है, इसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। ये होता है फेज, होता है न्यूट्रल। ठीक है, नहीं ये तो आप लोगों को पता है कि डीसी सर्किट में केवल दो वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल। तो इस वाले फेज में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और बस यहाँ पर लोड और काम खत्म। तो केवल एक वोल्ट मीटर से ही काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं वोल्ट मीटर जो है वो केवल एक वोल्ट मीटर ही काम कर देगा आपका डीसी सर्किट में पावर मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन क्या है कि अगर अलग एक सिंगल फेज में भी एक वोल्ट मीटर ही काम कर देगा, लेकिन थ्री फेज में तीन फेज होते हैं तो उसमें हमारे पास तीन मेथड होते हैं, बताऊंगा आगे आके भी। लेकिन क्या है कि डीसी सर्किट्स में केवल एक वोल्ट मीटर ही काम कर देता है पावर मेजरमेंट के लिए। और क्या बोलते हैं कि एसी सिंगल फेज, एसी सर्किट में एक ही फेज होता है तो वहाँ पे भी वन वोल्ट मीटर मेथड ही काम आ जाता है। लेकिन जब थ्री फेज सप्लाई की बात करते हैं एसी में, तो वहाँ पे तीन फेज होते हैं, इसीलिए वहाँ पे तीन प्रकार के मेथड यूज़ किए जाते हैं, वन वोल्ट मीटर मेथड, टू वोल्ट मीटर मेथड और थ्री वोल्ट मीटर मेथड, जिनमें से सबसे ज़्यादा टफ और सबसे ज़्यादा हार्ड है टू वोल्ट मीटर मेथड। तो इसीलिए हम आपको टू वोल्ट मीटर मेथड कल पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे केवल वन वोल्ट मीटर मेथड और थ्री वोल्ट मीटर मेथड। लेकिन उससे पहले हम डीसी सर्किट की पावर मेजर कर लेते हैं अभी। तो अभी आपके सामने लिखा है कि डीसी सर्किट में पावर मेजर करने के लिए वन वोल्ट मीटर मेथड का यूज़ किया जाता है। वन वोल्ट मीटर मेथड में वोल्ट मीटर की करंट कॉइल, और वोल्ट मीटर में दो प्रकार की कॉइल होती हैं, एक होती है करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल यानी कि वोल्टेज कॉइल। तो ये होता है वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से, तो आप ये समझ लीजिए ये वोल्ट मीटर का सिंबल है। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों टर्मिनल यानी कि इस कॉइल को कहा जाता है करंट कॉइल सी सी, और इस कॉइल को कहा जाता है पोटेंशियल कॉइल यानी कि पी सी। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो ऊपर वाली कॉइल आपको दिख रही है वो है सी सी, और नीचे वाली कॉइल दिख रही है वो है आपकी पी सी। अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो आपको मैं एक सेंसेबल थिंग बताता हूँ, करंट कॉइल में कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मोटा तार होता है, और वोल्टेज कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, पतला तार होता है, इसीलिए वोल्टेज कॉइल में ज़्यादा चक्कर बनाते हैं और क्या बोलते हैं करंट कॉइल में कम चक्कर बनाते हैं। तो इसीलिए ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है समझने का कि जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस तरफ पी सी होगा, और जिस तरफ कम नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस तरफ सी सी होगा यानी कि करंट कॉइल होगा, और जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस तरफ पी सी यानी कि पोटेंशियल कॉइल यानी कि वोल्टेज कॉइल है। ठीक है, कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सी सी और पी सी का मतलब समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सी सी और पी सी का अगर मतलब समझ में आ गया हो तो हम आगे को बढ़ सकते हैं। सी सी का मतलब होता है करंट कॉइल, और पी सी का मतलब होता है पोटेंशियल कॉइल यानी कि वोल्टेज कॉइल। करंट कॉइल को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्टेज कॉइल को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वैसे मतलब इस प्रकार के आपको मैंने MLCV का कनेक्शन सिखाया था लास्ट टाइम, जब वोल्ट मीटर कनेक्शन मेथड सिखाए थे तो उसमें MLCV चार पॉइंट थे, तो चारों पॉइंट का मैंने आपको बता दिया था कि किस किस तरीके से इसमें कनेक्ट करना होता है। M को और C को शॉर्ट कर देते हैं, L को आगे ले जाते हैं और B को वापस से न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो बस वो ऐसा मान लो कि आप M और C तो हो गई आपकी क्या बोलते हैं CC,
और एल और बी हो गई आपकी पीसी, ठीक है नहीं? तो सीसी और पीसी का ये कनेक्शन है। तो लिखा है कि वन वोल्ट मीटर मेथड में करंट कॉइल को सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो कि सर्किट की टोटल करंट को कैरी करता है, और वोल्टेज कॉइल को सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जो कि सर्किट के पूरे वोल्टेज को शो करता है। तो पावर का मतलब ये यहाँ पे वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई, पावर का मतलब है यहाँ पे वोल्टेज का और करंट का प्रोडक्ट। तो वोल्टेज कॉइल को पूरे के पूरे वोल्टेज को शो कर रही है, और करंट कॉइल पूरी की पूरी करंट को कैरी कर रही है। तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज और करंट दोनों आ गए तो हम पावर मेजर कर सकते हैं। तो पावर का मतलब है वोल्टेज और करंट दोनों का कैरी करना। समझ में आई बात आपके? तो पावर मेजरमेंट में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों का प्रोडक्ट को पावर कहते हैं। तो करंट कॉइल में पूरे सर्किट की करंट कैरी की जाएगी, और वोल्टेज कॉइल पूरे सर्किट के वोल्टेज को शो करेगा। तो इस प्रकार वोल्टेज और करंट दोनों के प्रोडक्ट यानी कि पावर को हम मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा। इस तरीके से मेजर करते हैं हम डीसी सर्किट में पावर को। ये देखो आप, ये डायग्राम देखो, ये डीसी सर्किट में पावर मेजरमेंट करने का डायग्राम है, एकदम सिंपल सिंपल। ये डीसी सप्लाई है, प्लस माइनस, ये आपका देखो वो है आपको जो सिखाया था मैंने, एमएलसीबी पॉइंट है। देखो एम और सी को शॉर्ट कर दिया गया है, एल को आगे निकाल दिया गया है, और बी को वापस से न्यूट्रल में या माइनस में दे दिया गया है। कोई भी डाउट हो, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वोल्ट मीटर सर्किट में कनेक्ट करना ज़रूर आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पहले जो स्टूडेंट हैं उनमें से कम 80% लोगों को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्ट मीटर कनेक्ट करना नहीं आता। तो आप लोग ऐसा मत करो ना, आप लोग तो कम से कम वोल्ट मीटर कनेक्ट करना सीख ही लो, ठीक है ना? तो वोल्ट मीटर के चार पॉइंट हमेशा लिखे होते हैं, एम एल सी बी, और सी पे कभी कभी लिखा होता है कॉमन। तो सी पे कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा सी ही लिखा होगा, सी पे हो सकता है कॉमन लिखा हो, ठीक है ना? तो इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सी पे कभी कभी कॉमन भी लिखा हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि एम एल सी बी, एल का मतलब लाइन होता है, बी का मतलब वोल्टेज, सी का मतलब कॉमन, और एम का मतलब मेन। एम पे एम लिखा होगा हमेशा, बी पे बी लिखा होगा, और बी पे कभी कभी बी लिखा भी नहीं होता है। वोल्ट मीटर में 150, 200, 250 इस तरीके से वोल्टेज होते हैं ना, जो वोल्ट का टर्मिनल है उसी को बी माना जाता है, ठीक है ना? तो ये आपका डीसी, इसका वोल्ट मीटर का सिंबल है, और ये डीसी सर्किट में पूरी तरीके से वोल्ट पावर मेजरमेंट का डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर पूछा गया तो पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये हमने प्लस दिया इसको एम को, और सी को किया शॉर्ट, एल से आगे लोड को दिया, और बी को किया वापस से माइनस से, और बी को लोड से कनेक्ट किया। ये हमारा वोल्ट मीटर का मेजर, वोल्ट मीटर का कनेक्शन तो सिंपल सिंपल था ही, आपको करना मैंने सिखाई दिया था। तो इस तरीके से जो ऊपर वाली सीसी है उसमें पूरे सर्किट की करंट यानी कि आई जाएगी, और जो पीसी है यानी कि नीचे सीबी लिखा है, पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल, उसमें पूरे सर्किट का वोल्टेज यानी कि बी जाएगा। तो पावर हो जाएगी इस प्रकार पी बी इंटू आई, ठीक है? तो वैसे भी पावर का सिद्धांत यही, पावर का फॉर्मूला यही होता है बी इंटू आई। तो डीसी सर्किट में पावर की बी इंटू आई आएगी। लिखा है कि डीसी सर्किट में पावर मेजरमेंट करने के लिए अमीटर एंड वोल्टमीटर मेथड का भी यूज़ किया जाता है। अमीटर और वोल्टमीटर मेथड का यूज़ कैसे करेंगे? इसमें वोल्टमीटर को यूज़ ना करके सीरीज में एक अमीटर लगा दो और एक दूसरा पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दो। इस मेथड को हम कहते हैं अमीटर एंड वोल्टमीटर मेथड, ठीक है? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब अमीटर में आने वाली रीडिंग और वोल्टमीटर वाली रीडिंग की हेल्प से फॉर्मूला आपको पता ही है, पी बराबर पी आई। जैसे मान लो अमीटर और वोल्टमीटर लगा रखा है हमने, वोल्टमीटर नहीं लगा रखा, तो अमीटर और वोल्टमीटर पे जो रीडिंग आएंगी, जैसे कि वोल्टमीटर में आएगी बी रीडिंग वोल्टमीटर की, और अमीटर में आएगी करंट की रीडिंग आएगी, दोनों की मल्टीप्लाई करके हम पावर को मेजर कर सकते हैं वाट में। वोल्टमीटर की रीडिंग वोल्ट में होनी चाहिए और अमीटर की रीडिंग एम्पियर में होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो हमको मिलेगा प्रोडक्ट, वो कहलाएगा हमारा वाट में यानी कि पावर। वोल्ट एम्पियर भी पावर का ही फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार हमारे पास जो है डीसी सर्किट में ये वोल्ट मीटर और अमीटर के मेजरमेंट है। जैसे मान लो कि अगर आप वोल्ट मीटर नहीं लगा रहे, तो ये हमने अमीटर लगा दिया सीरीज में, और ये लगा दिया वोल्ट मीटर पैरेलल में। इस तरीके से कनेक्शन करना है। अब अमीटर की जो रीडिंग आएगी आई, वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी बी, दोनों की मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे पी यानी कि पावर। क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी शंका आप पूछ सकते हो, समाधान कर दिया जाएगा। डीसी सर्किट में पावर मेजर हो गई। अब हम मेजर करते हैं मेजरमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट। उससे पहले आप मुझे बता दो
कि आपको डीसी सर्किट में पावर मेजरमेंट में तो कोई परेशानी नहीं है। अगर डीसी सर्किट मेजरमेंट में कोई परेशानी नहीं है तब हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बता दो, कोई भी अगर किसी को भी डीसी सर्किट के पावर मेजरमेंट में कोई भी परेशानी है या कोई भी पॉइंट अनक्लियर रह गया है, समझ में नहीं आया, तो मेरे से पूछ लो, मैं भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, पावर मेजरमेंट इन डीसी सर्किट आपको मैंने पढ़ा दिया पूरा, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लो। अब हम पढ़ा रहे हैं पावर मेजरमेंट इन सिंगल फेस एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स का तो आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेस एसी सर्किट और थ्री फेस एसी सर्किट। लेकिन पहले आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ पूरे, आप जो है आराम से बता दो मुझे। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो डीसी सर्किट, या समझ में आया तब भी मुझे बता दो, अगर दोबारा समझाना है तो बता दो। ठीक है, बताओ जल्दी। जी, तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप मेरे से पूछ लेते। तो आपको डी का पावर मेजरमेंट पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं सिंगल फेस एसी सर्किट पावर मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ बढ़ते हैं? अब हम बढ़ते हैं सिंगल फेस एसी सर्किट के पावर मेजरमेंट की तरफ। तो एसी सर्किट आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल फेस एसी सर्किट, दूसरा होता है आपका थ्री फेस एसी सर्किट। तो सिंगल फेस एसी सर्किट में केवल फेज और न्यूट्रल दो वायर होते हैं, और थ्री फेस एसी सर्किट में आपके तीन वायर होते हैं, फेज और न्यूट्रल, डेल्टा कनेक्शन में और स्टार कनेक्शन में चार वायर होते हैं, थ्री फेस और एक न्यूट्रल। ठीक है ना, तो समझ में आई बात आपको कि एसी सर्किट में दो प्रकार के सर्किट होते हैं, सिंगल फेस एसी सर्किट और थ्री फेस एसी सर्किट। सिंगल फेस एसी सर्किट में क्या रहता है कि केवल फेज और न्यूट्रल दो ही वायर रहते हैं, और थ्री फेस एसी सर्किट में हमारे पास तीन और चार वायर हो सकते हैं। अगर डेल्टा कनेक्शन है तो तीन वायर होंगे, और स्टार कनेक्शन है तो चार वायर होंगे। ये बात आप लोगों ने पढ़ के आए होगे बी डबल ई में, पॉली फेस सिस्टम में, पॉली फेस और सिंगल फेस सिस्टम बी डबल ई में, ये चीज़ पढ़ के आए होगे आप लोग। ठीक है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इतना तो आप पढ़ के आए हो। अब आते हैं हम, तो जब सिंगल फेस एसी सर्किट में पावर मेजर करते हैं तो वो तो बिल्कुल सेम है डीसी सर्किट की तरह। समझ लो कि आपने अगर सिंगल फेस एसी सर्किट में पावर मेजर किया है तो आप समझो कि आपने डीसी सर्किट में पावर मेजर की है, क्योंकि डीसी सर्किट में क्या है कि प्लस में सीसी कनेक्ट करते हैं और माइनस में पीसी। यहाँ पे क्या है कि फेज में सीसी कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल में पीसी। डायग्राम आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये है बिल्कुल सेम डायग्राम आपको दिख रहा होगा बिना किसी दिक्कत के, बिल्कुल जैसे डीसी सर्किट का था सेम कहानी यहाँ पर भी अप्लाई होती है, और सेम तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। इसमें एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है, तो वही इसके MLCV चार टर्मिनल है, एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है, और ये MLC और B चार टर्मिनल है। फेज़ को M में दिया, M और C को शॉर्ट किया, L से लोड में ले गए, B से एक ले गए न्यूट्रल में और एक ले गए लोड में। ठीक है नहीं, तो ये सिंपल सिंपल फंडा सर्किट बनाने का, याद रखने का तरीका आपको मैंने सिखाई दिया है किस किस तरीके से याद रखना है। सिंगल फेस AC सर्किट में पावर मेजर होगी सेम एज DC सर्किट। कोई भी डाउट कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। स्टार डेल्टा कनेक्शन, जी हाँ स्टार डेल्टा कनेक्शन है। मोनिका गौतम कह रही है सर एक बार डीसी सर्किट बता दीजिए। डीसी सर्किट में कुछ नहीं होता, बस सीसी को कनेक्ट करते हैं हम सीरीज़ में, और पीसी को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और बस हमारा बन जाता है पूरा का पूरा वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम। सेम कहानी है आपके सिंगल फेस एसी सर्किट में, उसमें भी दो ही वायर होते हैं, और डीसी सर्किट में भी दो ही वायर होते हैं। तो इसीलिए सिंगल फेस एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों में पावर केवल एक ही मेथड से यूज़ की जाती है, और वो होता है वन वोल्ट मीटर मेथड। केवल एक ही वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम पावर मेजरमेंट इन थ्री फेस एसी सर्किट्स। अब जो पावर मेजरमेंट होगा वो हम थ्री फेस एसी सर्किट्स का पावर मेजरमेंट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि थ्री फेस एसी सर्किट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं स्टार कनेक्शन और एक होते हैं डेल्टा कनेक्शन, ठीक है नहीं? ये आप लोग BEE में पॉलीफेज सिस्टम में पढ़ के आए होंगे। तो स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कनेक्शन कन्वर्जन आपको आता होगा, लेकिन वो हमें मुझे सिखाना नहीं, ना वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं तो आपको केवल ये बता रहा हूँ कि स्टार कनेक्शन में 4 वायर होते हैं और डेल्टा कनेक्शन में 3 वायर होते हैं, ठीक है? तो हम सर्किट में 3 फेज AC सर्किट में 3 प्रकार से पावर को मेजर कर सकते हैं, 1 वोल्टमीटर मेथड, 2 वोल्टमीटर मेथड और 3 वोल्टमीटर मेथड। अब इन 1 वोल्टमीटर मेथड तो सेम वैसी है जैसे ये पीछे था। 1 वोल्टमीटर मेथड में क्या है कि स्टार कनेक्शन में हम किसी भी एक फेज में हम वोल्टमीटर की करंट कॉइल को कनेक्ट करते हैं और पोटेंशियल कॉइल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। 1 वोल्टमीटर मेथड खत्म हो जाता है, ठीक है नहीं? किसी भी एक फेज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कल, लेकिन इसके पहले मेरे क्वेश्चन है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जितना भी जानते हो सब बता दो। इसके बारे में अगर कुछ भी कहना है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे अगर कुछ भी आपको दिख रहा है ये, तो इसके बारे में जो भी आप जानते हो वो बता दो। स्क्रीन पे एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है मैंने, इसके बारे में जो भी जानते हो, जितना भी पता है सब बता दो। बताओ जल्दी, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? किसी को कुछ नहीं पता क्या इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में? ये जो इंस्ट्रूमेंट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके बारे में आप जो भी जानते हो वो मुझे बता दो, लिख के टाइप करके जितना भी जानते हो। इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, अगर ब्लर है या आवाज़ में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। अगर आपको दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, तो आप जो भी इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हो, जितनी भी 2-4 बातें जानते हो, वो सब मुझे साफ साफ क्लियर करके बता दो कि मैं ये जानता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। या फिर किसी को कुछ नहीं पता, अगर कुछ नहीं पता तो वैसे अनम बी कह रही है बोल्ट मीटर है। आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को आदत पड़ गई कि सर बताएंगे पूरी कहानी, तो तुम लोग क्या यहाँ भंडारे में आए हो, भंडारा खाने पढ़ने आए हो तो जवाब दिया करो। ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता है, बस इतने पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। इसके अगर अगर इसके अगर इसका स्पेसिफिकेशन देना हो, इसकी डिटेल किसी को बतानी हो, तो कैसे बताओगे? ये कहोगे ये वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता है, बस खत्म कहानी। कीर्ति ठाकुर कह रही है AC वोल्ट मीटर है। चलो एक नई बात निकल के आई, वोल्ट मीटर है और AC वोल्ट मीटर है। अब आगे कुछ और बताओ अगला। सर ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये AC में वर्क करता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं यशवंत कुमार, इस तरीके से बताया करो कि सबसे पहले आप बताओ कि ये एक AC वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज को मेजर करता है, और यह मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इस तरीके से बताना था, ठीक है नहीं? तो एक ही बार में बता दिया करो ये चीज़। चलो अब ये बताओ दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ ये क्या है, जल्दी जल्दी बताया करो, इतना देर देर से बताओ तब तक तो कहानी खत्म हो जाती है सारी। एकदम एकदम आंसर दिया करो।
जी हाँ गौरव बनिया बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव बनिया कि ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जो एसी में करंट मेजर करता है। बिल्कुल सही, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है। अच्छा गौरव बनिया आप ढंग से पढ़ लो इसको, पहले देख लो मूविंग कॉइल है या मूविंग आयरन है, डीसी में वर्क करता है। अरे देखो तो सही पहले पहचान करके उसके बाद बताना भाई। मूविंग कॉइल अमीटर है जो करंट को मेजर करता है। मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन में फर्क ही नहीं पता तुम्हें कुछ, अनम भी इतने दिन हो गए बताते बताते हैं, मूविंग कॉयल और मूविंग आयरन में फर्क नहीं पता। मूविंग कॉयल का मतलब है कि जो उसका सिंबल ऐसा होता है ए जो बना होता है, और ये मूविंग आयरन होता है जिसमें सिग्मा के अंदर को डंडा खींचा होता है, ये मूविंग आयरन कहलाता है ना कि मूविंग कॉयल। तो अब मैसेज को डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, वो तो मैंने पढ़ लिया, ठीक है नहीं। हाँ तो गौरव बनिया ये मूविंग कॉयल है ही नहीं, ये मूविंग आयरन है भैया। आप ध्यान से देखो सिंबल, ये सिंबल नहीं दिख रहा आपको, ये सिंबल किस चीज़ का है? ये सिंबल ये मूविंग कॉयल का कि मूविंग आयरन का है बताओ? ये तो मूविंग आयरन का सिंबल है ना भाई, तो मूविंग कॉयल को बता रहा हूँ फिर से। अमीटर है एसी में, मूविंग आयरन में करंट को मेजर करता है। सही है मेगा रॉय। अब ये बताओ ये क्या है? चलो यहाँ तो तुमने बहुत सोच लिया समझ लिया, ध्यान से इसको देख लो एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो ये क्या है ये बताओ। वो तो आसान आसान सवाल थे, ये किस प्रकार का है ये बताना है आपको। आप किस प्रकार का है, क्या है, इसके बारे में कुछ भी जानते हो बता दो। एसी है डीसी है क्या है बताओ जल्दी, इसके बारे में कुछ भी बताना हो तो। अगर बताओ जल्दी से क्या चीज़ है ये, इसके बारे में कुछ बताओ। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये क्या है? अमीटर है, वोल्ट मीटर है, या उनमें से कुछ नहीं है, क्या है फिर? ये जो एकदम नई चीज़ दिख गई, इसके बारे में कुछ बताओ, बता सकते हो तो। अगर यही तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, गौरव बनिया कह रहे हैं ये वोल्ट मीटर है। चलो आगे, वोल्ट मीटर है तो कौन सा वाला वोल्ट मीटर है, किस टाइप का वोल्ट मीटर है, कौन सी सप्लाई पर वर्क करता, सब बताओ। जैसे आप अमीटर में बता रहे थे, वोल्ट मीटर में बता रहे थे कि ये मूविंग आयरन मूविंग कॉइल, तो ये कौन सा वाला है ये बताओ आप। किलोवाट एसी में क्या करता है, किलोवाट एसी में जल्दी जल्दी बताओ कि ये कौन से प्रकार का वोल्ट मीटर है, मूविंग कॉइल मूविंग आयरन। आपको तो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, मूविंग कॉइल टाइप है या मूविंग आयरन टाइप है। ये क्या पढ़ा है? गया। तुम बस ये बताओ कि ये मूविंग आयरन है या मूविंग कॉइल है, इतना बताओ आप लोग। आप लोगों में से कोई भी केवल ये बताओ ये मूविंग आयरन है या मूविंग कॉइल है या कोई अलग प्रकार का है। केवल मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तीन ऑप्शन है, मूविंग आयरन है ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, मूविंग कॉइल है, या फिर इनमें से कोई सा नहीं है, बताओ जल्दी। ये मूविंग आयरन जिसने बताया, जरा फिर से बताओ मूविंग आयरन किसने बताया था अभी? गुलफीजा सैफी कह रही है मूविंग आयरन, सपना कुमारी मूविंग आयरन, मूविंग आयरन, आदर्श गर्ग इनमें से कोई नहीं है। अच्छा आदर्श गर्ग अगर इनमें से कोई नहीं है
तो क्या आप बता सकते हो मुझे कि क्या है फिर ये, मतलब क्या पता कि अगर आपका कहना है ना कि मूविंग आयरन भी नहीं है, मूविंग कॉइल भी नहीं है, इसका मतलब कोई नया टाइप होगा, तो वो कौन सा टाइप है बता दो मुझे। अलग है ये सर, मेगा रोय करिए, अलग है ये। अच्छा अलग है तो इसका नाम भी तो होगा कुछ, इसका नाम ही अलग रख दिया आपने। मान लो मैं कह रहा हूँ कि या तो मूविंग आयरन है या मूविंग कॉइल है, आप कह रहे हो ना तो मूविंग आयरन है ना मूविंग कॉइल है, तो अच्छी बात, चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन क्या है फिर ये? जब आप कह रहे हो कि दोनों में से कोई नहीं, इसका मतलब आपको पता होगा कि ये क्या है, तो बताओ फिर ये क्या है, बताओ जल्दी बताओ, अगर किसी को पता है तो, या फिर सब अटक गए। तो गधो, मैंने तुम लोग को अभी क्या सिखाया था, मैंने तुम लोगों को बताया था कि सारे के सारे वोट मीटर कौन से होते हैं, 99% वोट मीटर होते हैं डायनेमोमीटर टाइप वोट मीटर। तो और डायनेमोमीटर टाइप किसका प्रकार है, डायनेमोमीटर टाइप प्रकार है मूविंग कॉइल टाइप का। कतई अकल बकल तो रहने की तुम लोग को, पढ़ने चले जाते हो। मूविंग कॉइल दो प्रकार के थे कि नहीं थे, पीएमएमसी टाइप और डायनेमोमीटर टाइप। और ये जो वोल्ट मीटर में मैंने आपको सिखाया, तो आपको बताया था कि वोल्ट मीटर सारे के सारे लगभग 99% डायनेमोमीटर टाइप के होते हैं। तो जब ये डायनेमोमीटर टाइप का वोल्ट मीटर है, तो ये मूविंग कॉइल टाइप वोल्ट मीटर हुआ कि नहीं हुआ? बस इनमें से कोई नहीं है, ये तो अलग है, ये तो वह है, पता वता कुछ है नहीं, और मुंह चला दिया सबने बस। थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सेंस लगाया करो। तुम लोग को कितनी बार बताया जा चुका है कि वोट मीटर जो होता है, वो ज़्यादातर वोट मीटर डायनेमोमीटर टाइप होते हैं। तो डायनेमोमीटर टाइप किसका पार्ट है, मूविंग कॉइल का पार्ट है। तो कोई ये वोट मीटर कौन सा हुआ, मूविंग कॉइल हुआ। वोट मीटर कोई भी हो, आंखें बंद करके कह दिया करना मूविंग कॉइल है, जब तक कि उस पर मूविंग आयरन का सिंबल ना बना हो। और इस पर एक सिंबल आपको दिख रहा होगा छोटा सा, ये वाला सिंबल आपको दिख रहा है, ये वाला सिंबल, ये डायनेमोमीटर टाइप का सिंबल है। ऐसे करके ये जो सिंबल है ये वाला, ये डायनेमोमीटर टाइप का सिंबल है, प्लस का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये डायनेमोमीटर टाइप है। इस पर ये प्लस का निशान शो करता है कि एक मूविंग कॉइल है और एक क्या बोलते हैं वो है स्टैटिक कॉइल, फिक्स कॉइल। तो ये शो करता है आपका, किसको शो करता है, ये डायनेमोमीटर टाइप को। और डायनेमोमीटर टाइप किसका हिस्सा है, अगर ऑप्शन में मैंने तो आपसे पूछा था कि ये मूविंग आयरन है कि मूविंग कॉइल है, ये इनमें से कोई नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए था मूविंग कॉइल है। वोट मीटर, ज़्यादातर वोट मीटर मूविंग कॉइल होते हैं, जब तक कि उस पर मूविंग आयरन का सिंबल ना बना हो। अगर वोट मीटर पर कोई भी सिंबल नहीं बनाए, तो आप आंखें बंद करके कह देना कि ये मूविंग कॉइल है। सेम कहानी, इन पॉइंट को नोट कर लेना जो बता रहा हूँ मैं। अगर वोट मीटर पर कोई सिंबल नहीं बनाए, तो आप आंखें बंद करके कह देना कि ये मूविंग कॉइल है। अगर एसी वोल्ट मीटर या एमीटर पर अगर कोई सिंबल नहीं बनाए, तो आप आंखें बंद करके कह देना कि ये मूविंग आयरन है। और डीसी वाले पे अगर कोई सिंबल नहीं बनाए, तो आप आंखें बंद करके कह देना कि ये मूविंग कॉइल है, ठीक है? और वोल्ट मीटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करते हैं। समझ में आया कुछ नहीं? अब तो समझ में आ ही जाएगा आपके, लेकिन आप लोग को तो अकल वकल है नहीं कुछ, कि आंसर कर दो सही सही कभी। अब तो बाद में तो समझ में आ ही जाएगा जब मैं बताऊंगा तो, लेकिन थोड़ा सेंस लगाया करो, तब ठीक ठाक आंसर किया करो, ठीक है ना? ये नहीं कि कुछ भी बोलने से मतलब है, पहले सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सजा दे रहा हूँ इस बात के लिए कि आपने गलत जवाब दिया, कोई बात ना, गलत भी दो, लेकिन थोड़ा साइंस के साथ तो दो। चलिए गाइस, समझ में आ गया वोल्ट मीटर एमीटर को किस तरीके से पहचान करते हैं, अगर कोई सिंबल ना बना हो तो आंखें बंद करके क्या जवाब देना है हमें, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगता है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की क्लास में से भी आपको सेम काम करना है, आपको जो है पांच पांच क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस सेंड करने, अगर आप चाहें तो, कोई फाउंडेशन नहीं है, अपनी ही तैयारी करोगे। अगर आप पांच क्वेश्चन डेली के लिखते हो ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो समझ लेना कि आने वाले टाइम में आपको कहीं भी जेई वेई के लिए कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी, केवल डेली के पाँच क्वेश्चन लिखे जाओ, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो पाँच क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आप लिखना अपनी नोटबुक में, मुझे भी सेंड करना, आंसर मार्क मत करना, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन सेंड करना, ठीक है? नहीं बस। चलिए गाइस, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल को 11 बजे होगा। और सब लोग 11 बजे आ जाए करो भैया, इसको वीडियो देखनी है ना, देखोगे पछताओगे, आपका खुद का है, मेरा थोड़ी ना है, मेरे से ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों का है, मेरा तो इतना फ़ायदा भी नहीं, इतना आप लोगों का फ़ायदा है। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ो, ठीक है बच्चा? चलिए अब मिलेंगे कल 11 बजे, तब तक के लिए आप मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो और देखते रहो हमारा चैनल पोलोटेक्निक स्टडी।